that is x is equal to 3, क्या होगी? If you remember, और यहाँ पर क्या आएगा? That is F is equal to what is the relation? That is magnetic force is equal to Qm into dB. अगर मैं B के साथ एक और Qm को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा. यहाँ पे क्लियर है बेटा? किस चीज को बेटा सारे नोट आउट कर लो. Write down beta, new header, that is magnetic dipole in a uniform magnetic field. Magnetic dipole in a uniform magnetic field. Write down. A magnetic dipole consists of a pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a small distance. दो तीन लाइन छोड़ के एक हेडिंग लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. Magnetic dipole moment is defined. As the product of the pole strength. Pole strength of either pole and distance between the magnetic poles. अगर बेटा आपको याद हो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन किया था, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस हमने कितना लिया था यहाँ पर 2L लिया था. तो डाइपोल मोमेंट क्या आया? P से डिवाइड करते थे एंड इट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू 2L डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल चार्ज, दैट इज क्यू इनटू 2L. क्यू इनटू 2L and it is a vector quantity and the direction of electric dipole is from where to where? From negative to positive. So this is the direction of dipole moment.
अब बेटा वहां पर तो हमारे को डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में डस्टर हो, यहां पर हमारे पास जो सब मैग्नेट है एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट तो पहले ही कितने पोल थे मैग्नेट के पास, एक बार मैग्नेट के पास कितने पोल थे, दो पोल, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। इन दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम क्यूएम क्यूएम, दोनों सेम मैग्नेट है और इनके पोल्स के बीच में लेट से डिस्टेंस इज तो मुझे बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल आएगा, यहां पर इनके हुए हैं और यहां पर इनके हुए हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आइदर पोल स्ट्रेंथ that is qm into distance between the two poles that is 2L, this is magnetic dipole moment। ये magnetic dipole moment है और ये क्या है, electric dipole moment। इसका डायरेक्शन कहां से कहां पर होता था, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एंड टू इट साउथ, दैट इज साउथ डायरेक्शन टू साउथ टू नॉर्थ। या फिर यार तो यहां पर अगर मेरे को बनाना है डाइपोल, तो यहां पर डाइपोल किस डायरेक्शन में बनेगा, साउथ टू नॉर्थ, इट इज इन दैट दिस डायरेक्शन, दिस इज दैट and it is a vector quantity, it is a vector quantity, क्योंकि वो भी vector quantity है, ये भी vector quantity। अच्छा, इसके SI units की अगर मैं बात करूँ, what are the SI units? SI units क्या होंगे? Pole strength का unit क्या है? Ampere meter। इसका unit है ampere meter। तो इसका क्या है? Meter। तो इसके SI unit क्या जाएंगे? Ampere एम्पीयर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज एम जीरो एल टू टू टी जीरो ए वन, कितना इसको बेटर and
हाँ बेटा यहाँ से क्लियर है इसकी को। एक नोट बनाओ बेटा, मेक अ नोट। तो इसमें लिखो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल इज द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर दैट इज नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर, दैट इज नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट। यहां से क्लियर है? यस। ओके, थर्ड नोट क्या बेटा, ध्यान से अब हमारे पास बेटा एक कंप्लीट मैग्नेट है, इसका एक बेटा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो, क्यों पोल स्ट्रेंथ कितना लेकर चल रहे हैं इसका, क्यों एम यहां पर, क्यों ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2L, दिस इज दिस 2L। अब क्वेश्चन आता है कि हमने इस मैग्नेट अच्छा किसका, मेरे को बताओ आपको सब बात नहीं है, मैं जाके मैं सुनता हूँ। हाँ तो अब बेटा यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू टू। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आया और इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू दो हिस्सों में तोड़ दिया बेटा। अब यहां पर ये दो मैग्नेट बन गए और ऐसे काट दिया बीच में, बात समझ रहे तो क्या इस पोल स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा, ये भी कितना रहेगा क्यों और ये भी कितना बन जाएगा क्यों, ये भी कितना क्यों और यहां पर भी कितना क्यों, बात समझ में। जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर टू लेंथ काटूंगा, हाँ भाई अगर मैं इसको परपेंडिकुलर टू लेंथ काटूंगा लाइक दिस, इस तरीके से काट देता दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो अब पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम बट अब ये जो सर मैग्नेट बनेगा अब इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, तो ये डिस्टेंस रह जाएगा। अब अगर मैं यहां पर ये नॉर्थ पोल रहेगा और ये साउथ पोल रहेगा, पर अगर मैं यहां पर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूं
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश हो देता हूं, तो m डैश इक्वल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू qm इनटू l. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m वेक्टर एंड m डैश वेक्टर? हां तो मैं कहूंगा दैट इज m डैश वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर डिवाइडेड बाय. अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए एक केस और देख लेते हैं, फिर इसको सेक्शन में डिस्कस करूंगा तब आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा. फिर से हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यूएम और यहां पर भी क्यूएम और इसके बीच में डिस्टेंस. अब हमने इस मैग्नेट को कट किया, कैसे? देखो दो तरीके अलग अलग है, पहले हमने इसको ऐसे कट किया perpendicular to length, फिर हमने कैसे कट किया, दो equal halves के अंदर divide किया, कैसे? parallel to length, length के parallel divide किया. अब ये जो भी magnet है, ये कैसे divide होगी दो parts के अंदर? Like this. अब देखो, यहाँ पर हमारे पास pole कट गया, यहाँ पर हमारे पास pole कट गया, यहाँ पर जो सा pole shift बनेगा, वो कितना आएगा? Qm by 2, ये north pole रहेगा और ये south pole. और यहां पर भी कितना आएगा? क्या हो? m divided by, तो यानी कि along the अगर मैं length काटूंगा, अगर along the length कट करूंगा तो pole strength क्या हो जाएगा? हाँ, अगर perpendicular to length कट करूंगा तो pole strength will remain, तो pole strength change रहेगा. उस केस में length क्या हो जाएगी? हाँ, इस केस में length क्या रहेगी? तो यहां पर हमारे पास m वेक्टर किस इक्वल आ रहा है, दैट इज qm इनटू 2l, और यहां पर m डैश वेक्टर किस इक्वल आएगा, दैट इज qm / 2 इनटू 2l. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m डैश एंड m डैश, दैट इज m डैश इज इक्वल टू m वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट, अब क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, डाइपोल मूवमेंट दोनों केसेस में आ रहा हो, पर पोल स्ट्रेंथ किस केस में कम होगी? जब मैं उसको अलोंग द लेंथ काटूंगा, अगर परपेंडिकुलर लेंथ काटूंगा तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम. अब ये क्वेश्चन आ सकता है किस केस में पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी और किस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा, डाइपोल मूवमेंट दोनों में चेंज होगा पर पोल स्ट्रेंथ इसमें सेम रहेगा, इसमें लेंथ आधी हो जाएगी, इसमें लेंथ सेम रहेगी और पोल स्ट्रेंथ आपको क्लियर में ना स्पीड. इस चीज को बेटा अच्छे से नोट आउट कर दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कर लेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. Thank you.